सभी आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है DJI का Air 2S ड्रोन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसका करने वाले RTL टेस्ट। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हम ड्रोन को दूर भेजेंगे और उसके बाद स्विच प्रेस करेंगे, इसमें स्विच होता है तो ये होम पॉइंट पे वापस आता है या नहीं, यानी कि जहाँ से हमने इसको फ्लाई किया है वहाँ पर ये वापस आता है या नहीं, यही हम टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हम इसका कुछ सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। दोस्तों हमने ड्रोन के चारों तरफ केप रख दिए ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से यहीं पे वापस आता है या थोड़ा साइड में आता है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसको फ्लाई करके, और इसे हम बहुत ही दूर भेजने वाले हैं। दोस्तों हमने इसे यहाँ पर ऑन कर लिया है। चलिए अब ड्रोन को टेक ऑफ करते हैं और उसके बाद इसे बहुत ही दूर भेजने वाले हैं। अभी हमारा ड्रोन बहुत ही दूर जा चुका है और इतना दूर जा चुका है कि कैमरे में तो अभी ये आ भी नहीं रहा है। चलिए दोस्तों अब हम अपने रिमोट में होम स्विच को प्रेस करते हैं। इसको मैंने रिटर्न मोड पे डाल दिया है और मैं यहाँ पर रिमोट को रख रहा हूँ और ये हमारा ड्रोन वापस आने लग गया है। दोस्तों ड्रोन हमारे बिल्कुल ऊपर आ चुका है, ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। अब देखते हैं कि इसकी लैंडिंग कहाँ पे होती है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये बिल्कुल वहीं पर है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। दोस्तों हमने इसको सेंटर से फ्लाई किया था और अभी ये थोड़ा साइड में आया है और यहाँ पर पड़ा इसका ट्रांसमीटर यानी कि रिमोट। अभी हमने इस ड्रोन का RTL टेस्ट किया और आप लोगों ने देखा कि ये बिल्कुल वहीं जगह पर आया जहाँ से हमने इसको टेक ऑफ किया था। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है। होममेड ड्रोन की जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है, यानी कि जहाँ से हम उड़ाते हैं उससे थोड़ा दूर उतरते हो, और इसकी लैंडिंग बिल्कुल वहीं पे हुई जहाँ से इसको हमने टेक ऑफ किया था। वीडियो आपको ऐसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।